लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे यार हिंदी में बात करते हैं ना। और भैया क्या हाल है? भैया बात कुछ चंद दिनों पहले की है। यूं ही टहलते टकराते हम पहुंच गए गिरगांव चौपाटी, और उस दिन भैया हमने मुंबई को एक अलग रूप में देखा, कुछ नया कुछ अलग। हालांकि सब कुछ सेम था, बट मेरे लिए ये सब कुछ वर्थ इट था। जाहिर नहीं आकिल हूं मैं आसिम नहीं, जाकिर करे वो जाहिर नहीं आकिल हूं मैं आसिम नहीं। सुबह पूछे रात शाम में क्या हसीं, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोग आश्चर्यचकित रहोगे, that means in English, shocked रहोगे कि पराग ऐसे इतना किससे मिला है और ये क्यों इतनी-इतनी चीजों को hype up कर रहा है। तो मैं जानना है मैं किससे मिला हूं? नहीं दिखा? ये देखो। शाम में पूछे रात सुबह हो क्या नहीं, शाम में सुबह मिलते नहीं, खालिद है पर दिलचस्प भी, जाकिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूं मैं आसिम नहीं। कैमरा वाले भैया, वैसे तो भैया हमारे काफी सिंपल जेन्युइन और हम्बल है, विच मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट यार उनमें बात ही कुछ और थी। दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन सोमेश इज फॉर यू। तो भैया मीटिंग सोमेश भैया एके कैमरा वाले भैया वाज एन एक्सीलेंट फीलिंग एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन वर्ड्स नॉर इन माय वीडियोस, बट मीटिंग हिम वॉज अ प्लेजर फॉर मी। या तो ये मैं कहानी को ऐसे बता सकता था कि मैं सोमेश भैया से मिला एंड दैट्स इट, बट मैंने इसको कुछ बनारसी तड़के में वो क्या कहते हैं कुछ चौचक बनाने की कोशिश की है, तो आप लोग खुद ही देखो। के तो तुम लोग मेरे चेहरे की एक्साइटमेंट देख सकते हो। मैं तुम लोगों को पिछले 2-3 घंटे से मैं तुम लोगों को इंट्यूशन दे रहा था, शुभम को भी मैं कह रहा था कि वॉट इफ निखिल सर आ गया एम एस के या कोई ना कोई मिल गया। And guess whom I met on Juhu Beach, Marines के इधर हम लोग का दिन fucked up था basically। गिरगांव चौपाटी है भाई। गिरगांव चौपाटी है यार। मैंने इसको बोला गिरगांव चौपाटी है, ये जुहू बीच करे जा रहा है। And भाई मेरे को कैमरा वाले भैया मिले, legit the man
whom I look up to. मैं इनकी एक्साइटमेंट देख के मैं डर गया, मेरे को लगा कौन दौड़ के आ रहा है। मैं काफी दूर था, मैं वहां से भागते हुए मैंने बोला यार इनको तो देखा हुआ, इनको मैंने देखा हुआ, मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे बात करूंगा। बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और अभी हम जा रहे हैं बेसिकली गोला खाने के लिए। ये गोला खिलाएंगे मुझे, मैं गोला खिलाऊंगा पक्का मुंबई से। एंड आपने तो मेरे ब्लॉग में फुल बनारस वाली वाइब डाल दी एकदम एकदम एकदम। और मैं काफी एक काम करते हैं ना, पहले गोला खाते हैं, पहले गोला खा लेते हैं फिर बात करते हैं ना आराम से। और तुम लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि मीटिंग अ पर्सन विद ओनली 75,000 सब्सक्राइबर्स कैन एक्साइट पार्ट दिस मच, तो ये जब बड़े क्रिएटर्स से मिलेगा तब इसका क्या हाल होगा? तो द आंसर टू दिस इज clear no. Lately I have been following only few creators which I admire personally, hamare somesh bhaiya. ab main usse bhaiya kyun keh raha hu, kyunki he is very young, wo mere age ke hai, and at what level he makes content is absolutely very insane, and this type of content is expected from the people who have millions of subscribers. That made me shock and that made me this happy. चीज़ें सारी की सारी सेम थी पर मेरे लिए काफ़ी अलग थी। सोमेश भैया वैसे तो है हमारे चौचक, हिंदी में कहे तो बोले तो अट्रैक्टिव। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि किसी दिन साथ काम करेंगे और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि ज़रूर करेंगे। ओके, तो मैं अभी भैया के साथ जा रहा हूँ गोला खाने के लिए, एंड ट्रैवलर वाली वाइब आती नहीं है इनसे। You all must be wondering कि मैं कहाँ मिला उनसे, मैं कैसे मिला उनसे, मैंने क्या बात की उनसे। अच्छा, उससे पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज द क्वेश्चन, डू यू गाइज नो मेरे टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा है? आई विल शो यू, इट्स रिटन PJOG, दैट मीन्स पराग जिंदल ओरिजिनल। एंड यस, दिस टी शर्ट वॉज गिफ्टेड बाई माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, जो मुझे इन माई ईच एंड एवरी थिंग एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, माई सोलमेट्स एंड दे आर माई एवरी थिंग। दे नो कि पराग ब्लॉगिंग को कितना ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए उन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे स्पेशलाइज टी शर्ट गिफ्ट की, क्योंकि मैंने उनको कहा था एक बार कि मुझे मेरा प्लान है मेरा कि जैसे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कि आई विल डिस्ट्रीब्यूट मर्चेंडाइज ओवर फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, एंड उनमें से उनका नाम था। और ये जो कोट है दैट योर फ्रेंड्स आर योर रियल सपोर्टर्स, ये मेरे केस में काफ़ी ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि वो लोग शुरू से फ्रॉम द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ दे आर स्टिल हियर टिल द टाइम व्हेन आई एम मेकिंग वीडियोज़। भले ही मुझे व्यूज़ नहीं आते, भले ही मुझे लाइक्स नहीं आते, भले ही मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं आते, एंड आई एम स्टिल स्टक ऑन 700 सब्सक्राइबर्स सिंस द लास्ट 2 years, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आई एम एंजॉय मेकिंग वॉट एवर आई एम डूइंग, सो दे आई हियर, एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम अ ट्रू फॉलोअर एंड अ ट्रू फ्रेंड। अजी थे अपने मुंबई के टूर पर, ऑल ऑफ सडन उनका प्लान बना, एंड ऑल ऑफ सडन मेरा भी प्लान बना, एंड इसके पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि आई वॉज एक्सप्लोरिंग मुंबई, चेजिंग द सनसेट ऑफ मरीन लाइन्स, एंड दैट्स वेयर लेडीज एंड जेंटलमैन आई मेट सोमेश भैया एंड हिज फ्यू फ्रेंड्स, एंड द एक्सपीरियंस वॉज अल्टीमेटली अमेजिंग। मुंबई को ऐसे ही नहीं द सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, इट हैज दैट स्पार्क, एंड एग्जैक्टली देयर मेरा भी एक ड्रीम कम्प्लीट हुआ टू मीट सोमेश द कैमरा वाले भैया। मैं भैया जी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं मुंबई में सोमेश भैया से कहाँ, कैसे और क्यों मिला, ये तो खैर मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ था, एंड मैं उनसे चलते फिरते टकराया, एंड द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आई वॉज कैरिंग फ्रॉम द टाइम आई सॉ सोमेश भैया वॉज एब्सोल्युटली वेरी इनसेन। वी वर एट गिरगांव चौपाटी, एंड जैसे ही मैंने सोमेश को देखा आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, एंड आई वॉज लाइक कैमरा वाले भैया, कैमरा वाले भैया। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा कैमरा भैया वाले वॉट, मैंने बोला ये कैमरा वाले भैया है, बिकॉज एज आई सेड यू अर्लियर देर आर ओनली फ्यू क्रिएटर्स लेफ्ट जिनको मैं मन से और उनके काम से अडोर करता हूँ एंड उनसे इंस्पायर होता हूँ, एंड सोमेश आप उनमें से एक हो। ऑल्सो टिल द टाइम आई विल पोस्ट दिस वीडियो, मेरे को बहुत सारे लोगों का और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और लोगों का मुझे मैसेज आ चुका है कि पराग यू आर लकी दैट यू मेट सोमेश भैया AKA कैमरा वाले भैया। एंड ऐसा ही नहीं, मेरे को बड़े बड़े क्रिएटर्स ने तक मैसेज किया जिनको मैं जानता हूँ। बड़े क्रिएटर्स मेरे नज़र में, अगर वो मेरे फ्रेंड्स हैं तो आई विल अज्यूम दैट अराउंड 1,000, 2,000, 10,000 सब्सक्राइबर्स तक, बिकॉज आई हैव दैट कनेक्शन। बस बात इतनी सी है कि भैया हम ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं करते। आई वॉज अ वेरी सोशल एनिमल
बट नाउ आई हैव लिमिटेड माई सेल्फ टू सर्टन पीपल एंड जो लोगों का एक्साइटमेंट था मुझे ऐसा लग रहा था नो आई स्टिल हैव ट्रू फ्रेंड्स एंड उनके एक्साइटमेंट में मुझे मेरी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। तो बस हो गया भैया, काफ़ी सारी बातें कर ली हमने। अब तुम सीधा देखो कि हमने एग्जैक्टली भैया के साथ क्या सारी बातें करी, कितना टाइम हमने एक साथ गुजारा। और स्पेशली सोमेश, इफ यू आर वॉचिंग दिस, दैट गोला ऑन द गिरगांव बीच फेल्ट ऑन अ नेक्स्ट लेवल विथ यू। आई रिपीट, थैंक यू सो वेरी मच टू योर फ्रेंड्स एज वेल, गणेश एंड मनीष, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। आई लर्नड अ लॉट अबाउट फोटोग्राफी, आई लर्नड अ लॉट अबाउट कॉन्टेंट क्रिएशन एंड हमने जो एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन किया भैया फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स वर चुम्मा। तो अभी सोमेश भैया से मेरी बात हुई है ना, एंड आप लोग क्या खा रहे हो भैया? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, रबड़ी खा लिया जो कैमरा सेटअप उनके हाथ में, दैट इज माई ड्रीम सेटअप, बट फिलहाल के लिए आई एम यूजिंग माई पता नहीं कौन सा तो है। तो सोमेश भैया मुझे टिप्स दे रहे थे अबाउट हाउ टू गेन सब्सक्राइबर्स या कैसे बेसिकली ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो मैंने मेरे सारे दोस्ती की भी उनसे पहचान कराई, मतलब बेसिकली उनसे मिला क्योंकि उन्होंने मेरे को देखा, मैं कितना एक्साइट हो गया था। एंड सोमेश भैया को मैं मतलब काफ़ी पता है, ऐसा अनजाने से मैंने आपको देखा था रील पे, जो आपका वो बनारसी तड़का आता है ना ब्लॉग में, वो आपका बात करने का मेरे को डिसेंसी बहुत अच्छी लगती है। और आपके स्टोरी टेलिंग की बेसिकली ब्लॉग्स का पैटर्न वही होता है ना भैया, हमने शुरुआत ऐसे की, फिर हम यहाँ आ गए, फिर वहाँ गए, तो वो जो एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, उसके वजह से आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। एंड रिसेंटली मैं जो इससे ज़्यादा डिस्कस करता हूँ इससे कि कैसे मैं बना सकता हूँ, तो मैं उनको वही बोला कि मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं ज़्यादा सिनेमैटिक करूँ, उसके पीछे एक स्टोरी डाल सकूँ। तो ये आइडिया जो है वो इंस्पायर्ड आप ही से अभी, और भाई बहुत नाइस कर्म किए होंगे मैंने। एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी कर रहे हो ना वो मेहनत से करोगे तो फिर मतलब लगन से, डेडिकेशन। तो अभी हम लोग मन मन थोड़ा मेरा डाइसी रहता है, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि अगर एक चीज को एज एन हैबिट कर रहा हूँ मैं, तो उसको एकदम पैशनेटली करूँ। भैया हम सब आप ही, अभी मैं और सुमेश भैया जब तक वो स्नैक कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, सब तक वो भैया तुमने हमें पूछा ही नहीं तुम अलग प्रॉब्लम में नहीं चल रही हो गाइस, आर सेल्फिश। तभी मैं और सुमेश भैया थोड़ी देर बात करेंगे, फिर उनके अलग प्लान्स हैं, मैं हम घर चले जाएंगे क्योंकि हम सुबह से बाहर है भैया, मस्त एकदम। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है क्या करना है। प्लीज़ 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 प्लीज़, मैंने ऐसे बहुत टाइम हो गया मैंने बोला नहीं है, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर लाइक करते हो तो ऑब्वियसली मुझे लाइक आते हैं, तो कॉमेंट भी एक हार्ट वगैरह कुछ तो ड्रॉप कर दिया करो, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर फर्दर वीडियोज़ फॉर यू ऑल। एंड अगर आप लोगों ने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो मेक श्योर यू वॉच इट, क्योंकि शूट एडिटिंग सब चीज़ में मेहनत लगती है, एंड आई एम कंसिस्टेंटली अपलोडिंग, सो आई एक्सपेक्ट मोर एंड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। ठीक है भैया जी, यही था बनारस तड़के के साथ हमारा व्लॉग विथ कैमरा वाले भैया, विथ कैमरा वाला पराग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक सेकेंड, ना काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि पराग यू डोंट मेक कंटेंट, यू मेक क्रिंजी वीडियोस एंड ऑल। आई मे मेक वीडियोस फॉर ऑडियंस, बट एट द सेम टाइम आई मेक वीडियोस मोर फॉर माय मेमोरीज, एंड दैट्स लेडीज एंड जेंटलमैन माय कंक्लूजन टू दिस इज हा, थैंक यू। Be bold, be brave, be you. Yes, मैं उस दिन तक लोगों के वैलिडेशन के लिए जी रहा था, बट उसके बाद the ray of hope I got is untouchable. So I cannot share with you the whole conversation we had, but सोमेश ने ना मेरे को अपने कैमरा में भी कैप्चर किया, एंड दैट मेड मी इवन मोर ग्रेटफुल। अगर आप लोगों को मुझे उनके ब्लॉग में देखना है तो भैया का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैं टाइम स्टैम्प भी लिख दूंगा कि मैं किस ब्लॉग में आया हूँ। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके पहले मैं दो तीन और बड़े बड़े क्रिएटर्स के ब्लॉग में आया हूँ, बट जो फील मुझे सोमेश के ब्लॉग में आने पर आई वो अनब्रेकेबल है।
क्या मुंबई के ट्रिप पे हो भाई? मेरे को एंजाइटी हो रही है, मैं नहीं। चलो भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं प्लीज 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 रुको प्लीज। आप अभी आए हो क्या भाई? ये मुझे आपकी एक्साइटमेंट देख के मैं मेरे को थोड़ा मैं डर गया। तो इनकी एक्साइटमेंट देख के मैं खुद डर गया। मैं देख रहा दूर से कोई दौड़ के आ रहा है तो मैं एकदम मैं आश्चर्यचकित हो गया आपकी। मैंने आपको जोर से देखा भाई, मेरे पीछे कौन है? मैंने मेरे दोस्तों को बोला कैमरा वाले भैया, अरे कैमरा वाले भैया कौन? मैंने बोला अरे है कैमरा वाले भैया। भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपसे मिला मैं लेजिट। मुझे बहुत अच्छा लगा। What made me feel so great about Somesh भैया? Not only Parag, सिर्फ मुझे नहीं, he treated my friends the same way he treated me. He respected my friends the way he respected me. And that's what I expect from all the creators out there. I know यार तुम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हो. Even I am struggling with a lot of things, but still, जब मुझे कोई तीसरा बंदा मिलता है, I greet him with love, with care, with passion. And that's what Somesh Bhaiya did to me and my friends. And that's why I love him and I adore him. Okay, so it's time to wind up. मैं और Somesh Bhaiya ने ना अभी काफी गोला वगैरह खाते हुए हमने काफी सारी बातें की। मैंने खाया, आपने खाया? ना मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरे फ्रेंड्स खा गए, मैंने लिया हमारे लिए था। पर ठीक है, भैया ने कुछ और खाया, हमने कुछ और खाया, बट बातें काफी सारी हुई है। बातें बहुत सारी हुई हमारी। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, हमें भी दूसरे लोकेशन पे निकलना है क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। कन्वर्सेशन हमने काफी सारी एक्सचेंज की, काफी सारी चीजें मेरे को आज रियलाइज हो गई ऑल ऑफ सडन, आई डोंट नो, बट मेरे को भैया काफी अच्छा लगा। प्लीज नेक्स्ट टाइम मिलना, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय।